हमारा वेलकम होते हुए की मोनेस्ट्री का द्वार, और इस गांव का नाम है कीह। और यहाँ पे की मोनेस्ट्री यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कहा जाता है इसको हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो चीचम ब्रिज है ये, चीचम ब्रिज फिर से, और मेरे पीछे देख रहे हैं आप चीचम ब्रिज। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम काजा स्पीति। अभी हम निकल रहे मनाली की ओर, और ये हमारा रिटर्न जर्नी का तीसरा दिन, तीसरा चरण। जाते जाते हम देखेंगे की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज और अटल टनल। ठीक है, मिलते हैं, गाड़ी ऑल सेट, सुबह के बज रहे 7। चलो मिलते हैं गोप्रो मोड़ पे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फिर एक बार, और अभी हम काजा छोड़ रहे हैं। देखो सीन सुबह सुबह का सुंदर ऐसा नज़ारा सुबह सुबह काजा स्पीति से। ठीक है, तो अभी हम आज जाएंगे की मोनेस्ट्री, रास्ते पे ही है क्या बोलते हो मनाली रोड पे, फिर उसके बाद चीचम ब्रिज, वो भी ऑन द वे। एक्चुअली लोसर को जाना है हमको, तो लोसर में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट जा सकते हैं और एक है कि मानस जो चीचम ब्रिज से होकर। तो ये दो नज़र, ये जो दो दो डेस्टिनेशन है, लेकिन खास अट्रैक्शन है ये भी, तो ये देखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ और जगह पे, और कुछ आपको मैं सुबह सुबह दिखा दूँ, कुछ मिले। ठीक है, तो सुबह सुबह स्पीति रिवर के दर्शन कुछ ऐसे हुए हैं, बड़ी बड़ी है यार काफ़ी ये नदी, स्पीति रिवर जिसे कहा जाता है। अच्छा, वहाँ पे जो ब्रिज था वो वहाँ से गया लेफ्ट को कुंजुम पास। ठीक है, और ये जो हम जा रहे हैं ये भी कुंजुम पास जाएगा, परंतु की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज भाया। तो अगर की मोनेस्ट्री जाना है आपको और चीचम ब्रिज जाना है, तो ये रास्ता आपको लेना पड़ेगा, ब्रिज क्रॉस करने का नहीं है, ये ब्रिज क्रॉस करने का है। ठीक है, आवाज लकड़े का ब्रिज है वो, ये है की मोनेस्ट्री, ऊपर दिख रही है आपको, ऊपर देखो, ऊपर वो देखो वो। ये की मोनेस्ट्री है, यहाँ पे हमारा वेलकम होते हुए की मोनेस्ट्री का द्वार, और इस गांव का नाम है कीह। और यहाँ पे की मोनेस्ट्री यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कहा जाता है इसको हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो कुछ ऐसी दिखती है, मैं दिखाऊंगा आपको, जाएंगे हम। ये देखो ये मोनेस्ट्री हो, लोग चढ़ के भी जा सकते हैं क्या? रास्ता ऐसे ही है यहाँ पे, पीछे बहुत थोड़ा सा ऑफ रोड भी है, जाना कैसे वहाँ पे, जैसे रास्ता हो गया। साढ़े 7 बज रहे, डिसाइड ये हुआ कि रुकते नहीं, जाते नहीं वहाँ पे। हुआ ये है कि ऊपर वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है,
हमने यहीं से फोटो और वीडियो इसका ले लिया है। चले ये फॉग अंदर, इतनी ठंड है साला, बहुत ठंड है अंदर यहाँ पे। अच्छा धूप में जाओगे गर्म लगेगा, इधर आओगे छाँव में ठंड लगेगी, ऐसा मौसम है, समझ में नहीं आ रहा है। खैर चलो देख लो भाई, सुबह सुबह के किब्बर यहाँ से 6 किलोमीटर है, ठीक है, की मॉनेस्ट्री की एंट्री, यहाँ से एंट्री होती है की मॉनेस्ट्री की। तो आप वहाँ पर बाइक ले जा सकते हो, कार ले जा सकते हो, जो भी है। और मॉनेस्ट्री में क्या है, मॉन्क्स होते हैं छोटे, जिसको सिखा दे बुद्धिज्म क्या है, और गौतम बुद्ध की वो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और ये संस्कृति यहाँ की दर्शाती है, काफ़ी पुरानी है ये विकी मॉनेस्ट्री, इस हिमाचल प्रदेश की इस साइड की संस्कृति ये दिखाती है, समझाती है, बताती है। तो ज़रूर आए, और सुबह सुबह इतने खुला भी नहीं होगा, इसलिए हम निकल पड़े 7:30 बजे सुबह के। आस्था दैया भैया, दैया दैया हायरा दैया दैया, ऐसा ही रास्ता है मराठी में, इसको बोलते डोंगर कपारी तुम रास्ता। बहुत ही सुंदर व्यू, फिर एक बार बहुत किलोमीटर के बाद ऐसा व्यू मिला मुझे लग रहा है। देखो व्यूज बदलते रहते हैं यहाँ पे ना, पल पल है ना, जो लैंडस्केप है बदलते रहता है। लोग बोलेंगे क्या यार किधर घूम रहे हो, खंडहरों में बंजर जमीन है, ऑक्सीजन की कमी है, 15,000 फुट पे जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन देखो कैसा है, अपनी अपनी टेस्ट होती है। अगर सब एक जैसा सोचे तो फिर यार विचार अलग अलग कैसे आएंगे यार मन में। इसलिए मुझे अच्छा लगता है, मैं आता हूँ, है कुछ नहीं यहाँ पे। देखो देखा जाए खाने का भी प्रॉब्लम है, यहाँ की संस्कृति अलग है, तो सरसों में खाना होता है तो स्मेल आती है तो मज़ा भी नहीं आता यार। इतने हाइट पे तो मतली मतली सा लगते रहता है, सर भारी पड़ता है, उसमें भी आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ता है और घूमना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है। अक्लोमेटाइजेशन का बड़ा प्रॉब्लम है, देखो ज़्यादा होशियारी नहीं करने की ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो भैया धीरे चलो, आराम आराम से कंट्रोल करो बाइक को भी खुद को भी, है ना। अल्कोहल सेवन में ना चलाए गाड़ी, अगर पीते हो तो, अगर नहीं पीते हो तो थोड़ा होश में चलाए। और खुद से ज़्यादा दूसरे की जान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने साथ वो सामने वाले बाइक आ रहे हो, गाड़ी आ रही हो, कार आ रही हो, जो भी है, क्योंकि देखो खाई देखो नीचे काम 25 वाला काम है यार, ये काम 25 ही है पूरा। एक बार यहाँ से सड़क गई ना आपकी डेड बॉडी बाहर आएगी, बच नहीं पाओगे। अभी धूप आ जाए यार, इतनी ठंड लग रही है ना, पूरे हाथ मेरे ठंड पड़ गए, क्या बोले यार। सेकंड गियर है, सेकंड है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, किब्बर आएगा धूप आएगी तो आपसे मिलेंगे यार। बड़ी ठंड लग रही है, बड़ी ठंड है, खतरनाक। ओए देखो वहाँ पे धूप है, ऐसा रास्ता है, ऐसा जा रहा है, उधर घूमते घूमते ऊपर जाएगा वो है किब्बर, ठीक है। देख लो सुबह सुबह के आज के बहुत सुंदर से किब्बर, देखो कुछ ऐसा दिखता है, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ गांव ये। ए चिच्चम कैटोलोसर 41, ठीक है, इधर ही है। ऐसा है, ये ब्रिज है छोटा सा, पता नहीं
किस रिवर के लिए यार, रास्ता बड़ा ख़राब है इधर, खाई है खतरनाक यहाँ पे। ये तो सुसाइड पॉइंट जैसी लग रही है मुझे, कल्पा का सुसाइड पॉइंट। काम 25 वाला काम फिर से यहाँ पे, हर जगह जगह पे यहाँ पे काम 25 वाला काम है। चीचम ब्रिज इधर ही बता रहा है, वाह क्या धूप आई यार, मस्त लग रहा है अभी, बहुत ठंड हो गई। ठीक है देख लो भैया, ऐसा है माहौल यहाँ पे। इधर है भैया किब्बर बीच, ठीक है चीचम ब्रिज, सॉरी चीचम ब्रिज है ये, ठीक है बहुत ही सुंदर ब्रिज है। ओहे खाई खतरनाक है यार, बहुत बहुत बड़ी खदी है यार ये तो। तो आगे हम जाके फोटो खींचेंगे चीचम ब्रिज के, ये देखने तो आए हम किब्बर, बड़ा ही सुंदर ये ब्रिज बनाया यार। ये जो है एशिया का, ठीक है सबसे ऊंचाई पर होने वाला झूलता ब्रिज है, ठीक है तो ये कुछ इस तरह दिखता है, देखते। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम चीचम ब्रिज फिर से, और मेरे पीछे देख रहे हैं आप चीचम ब्रिज जो कि एशिया का सबसे ऊंचाई पर होने वाला सस्पेंशन ब्रिज है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है ये चीचम ब्रिज, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ऐसा बनाया है। और ये हम यहाँ से आए, ठीक है ये रास्ता हम क्रॉस करते हुए ऐसा आए, ये एशिया का सबसे ऊंचाई पर होने वाला झूलता ब्रिज है, यहाँ पे लिखा हुआ है चीचम ब्रिज की बहुत सारी सस्पेंशन स्टिपेंड शिल्टर्स ब्रिज, स्पैन इसका 120 मीटर है, ठीक है और 259 लाख का तब ये बनाया था। और आपको खाई दिखाता हूँ किस तरह से खाई है ये, ठीक है आप यहाँ पर आओ तो चीचम ब्रिज ज़रूर आना, वहाँ से तो दिख ही नहीं रहा भैया, देखो इतनी गहरी खाई है, नदी है इसमें गहरी है शायद, आवाज़ आ रहा है। ये देखिए चीचम ब्रिज की गहराई और बहने वाली नदी, ठीक है इस तरह की नदी है, खाई है काफ़ी गहरी, ऐसे पर्वतों में बैठा हुआ ये चीचम ब्रिज। ये रोप से दोनों तरफ से बंधा हुआ है ये।